कबीर जी की एक रचना है, हमारी बहुत ही पसंदीदा लाइन इसकी, कुछ सुना रहे हैं। आइए महसूस कीजिए जिंदगी के ताप को, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली में ले चलूंगा आपको। जिस गली में भूख मरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया फुलिया बिचारी एक कुएं में डूब कर, है सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर खुआ की छोकरी, चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरयू पार की मोनालिसा। कैसी यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, कैसी यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही है जैसे कली बेला की कुम्हलाई हुई। कल को यह वाचाल थी, कल को यह वाचाल थी, पर आज कैसी मौन है, जानते हैं इस खामोशी का कारण कौन है। ये सही सावन के दिन हरखू गया था हाट को, थे यही सावन के दिन हरखू गया था हाट को, सो रही बूढ़ी वो सारे में बिछाकर खाट, डूबती सूरज की किरणें खोलती थी रेत से, डूबती थी सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से, आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है ताक में। होनी से बेखबर कृष्णा, होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी, चीख निकली भी तो होठों पर ही घुटकर रह गई, चीख निकली भी तो होठों पर ही घुटकर रह गई, झटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई, चीख निकली भी तो होठों पर ही घुटकर रह गई, पहले झटपटाई फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरजू के कछारों में था कब ढल गया, वासना की आग में कौमार उसका जल गया, और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में, जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था, बढ़ के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है, बढ़ के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंद्रा कौन है, पूछ तो आखिर बेटी से वो दरिंदा कौन है, कोई हो संघर्ष से हम पांव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा छोड़ेंगे नहीं, कैसा हो सकता है होनी कह के हम ताला करें, कैसे हो सकता है हम होनी कह के ताला करें, कौन है दुश्मन बहु बेटी संग मुंह काला करे। बोला कृष्णा ने बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता वो पापी मेरे प्रतिशोध से, पड़ गई इनकी भनक थी ठाकुरों के कान में, पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, वे इकट्ठे हो गए थे सरपंच के दालान में, दृष्टि जिसकी भी जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोंक कर, क्या कहें सरपंच भाई जाम जमाना आ गया, कल तलक जो पांव के नीचे थरुतवा पा गया, कहती है सरकार की अब आपस में मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो, देखिए ना यह जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप का मोती गवारों के यहाँ, जैसे बरसाती नदी अल्हड़ नशे में चूर है, जैसे बरसाती नदी अल्हड़ नशे में चूर है, हाथ न पुट्ठे पे रहने देती है मगरूर है,
भेजता भी नहीं ससुराल इसको हर खुआ, फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सूरज पार अपने श्याम से लटका गई, अनजाने वो लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना वह मरदूद इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हर खू उसकी सह पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लहजा था ऐसे ऐसा ताव सबको आ गया, हाथ मूछों पर गए, माहौल भी सन्ना गया। क्षणिक आवेश में जिसमें हर युवा तैमूर था, क्षणिक आवेश में जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होनी को तो कुछ ऐसे ही मंजूर था। रात जो आया ना अब तूफान वह पुरजोर था, भोर होते ही वहाँ का दृश्य बिल्कुल और था। सिर पे टोपी बेंत की लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। बेघर घेर कर बस्ती कहाँ हल्के में थाने दार ने, जिनका मंगल नाम हो वह व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोल कर, एक सिपाही ने तभी लाठी लाठी चलाई दौड़ कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट के टकरा गया, गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया। सुन पड़ा फिर माल वो चोरी का तूने क्या किया, कैसी चोरी माल कैसा, उसने जैसा ही कहा। एक लाठी फिर पड़ी बस होश फिर जाता रहा, होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर। ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर। घर को जलते देख कर वे होश को खोने लगे, कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराएगा वो मारा जाएगा। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर यह सवाल, कैसा है कहिए यह सरयू पार की कृष्णा का हाल। मैं निमंत्रण देता रहा हूँ आए मेरे गांव में, तट पे नदियों के घनी अमराइयों की छाँव में। गांव जिसमें आज पांचाली उखाड़ी जा रही, या अहिंसा की जहां पर नथ उतारी जा रही है। तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए। धन्यवाद।